बुलंदशहर के मुख्य मंदिर और गंगा घाटों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बुलंदशहर डीएम एसएसपी द्वारा बुलंदशहर के भूतेश्वर मंदिर, अनूपशहर गंगा घाट के और आहार के अवंतिका देवी और महादेव मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा। 30 मिनट में 105 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा घाट और मंदिरों पर डीएम एसएसपी ने किया कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा में 2.5 क्विंटल पुष्पों का किया गया इस्तेमाल। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण करते हुए कांवड़ियों का अभिवादन कर कांवड़ियों, मुख्यमंत्रियों एवं गंगा घाटों पर पुष्प वर्षा की गई। आसमान से फूलों की वर्षा देखकर शिव भक्त हुए गदगद। हर हर महादेव के जय घोषों से मंदिर परिसर गुंजा। बड़ी संख्या में शिव भक्त रहे मौजूद। देखिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। सर्वेक्षण करके आए हैं, फूलों की वर्षा भी की है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे शिव भक्त हैं जो गढ़ से हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आए हैं और अपने जनपद के विभिन्न मंदिरों में आहार में अम्बिकेश्वर में अनूप शहर में बवस्टर घाट जेपी घाट मस्तराम घाट और अपना राजराजेश्वर मंदिर पर तमाम बहुत भारी संख्या में हमारे कांवड़िए भाई मौजूद थे, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की गई है। और उद्देश्य यही है कि जो भी शिव भक्त हैं जो भी धार्मिक आस्था रखते हैं वो उनको ऐसा लगे कि पूरी सरकार और पूरा समाज उनके साथ है और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। और ये कांवड़ यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाढ़ प्रभावित इलाकों तक दौरा किया? हाँ, वो हम लोग चूँकि आहार से पूरा अनूप शहर और उसके आगे तक गए थे और ये अच्छी बात है कि बुलंदशहर में बाढ़ की स्थिति नहीं है।